हेलो फ्रेंड्स, ज्योति टेस्टी ट्रीट में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी इजी स्वीट कॉर्न की सब्जी, जो बनाना बेहद आसान है। यदि आपको समझ नहीं आ रहा कि घर पर हम डिफरेंट सब्जी क्या बनाएं, तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कर सकते हैं। आपको बहुत पसंद आएगी। इसमें मैं डालूंगी सिर्फ 4 मसाले और सब्जी बनेगी बिल्कुल टेस्टी, और इसकी ग्रेवी भी बड़ी थिक होती है। तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना, और यदि आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये रही टेस्टी और लाजवाब स्वीट कॉर्न की सब्जी। लग रही है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी, और बनाना भी बड़ा आसान है। तो चलिए देखते हैं कि ये रेसिपी कैसे बनी। ये मैंने 150 ग्राम स्वीट कॉर्न लिए हैं। फ्रोजन स्वीट कॉर्न का पैकेट बाजार में आसानी से मिल जाता है। तो चलिए अब इसे पहले बॉईल कर लेते हैं। देखिए, मैंने एक कंटेनर लिया है और उसमें 1 ग्लास पानी डाल दिया है। अब हम इसमें अपने स्वीट कॉर्न डाल देते हैं और इसको अब हमें 5 मिनट तक उबलने देना है। जब तक स्वीट कॉर्न उबल रहे हैं, हम सब्जी के लिए ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं 3 बड़े टमाटर, 2 हरी मिर्च, 3 लहसुन की कलियां। इन सभी को हमें अच्छे से ग्राइंड करना है और उसका पेस्ट तैयार करना है। देखिए, हमने सबको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है हमने, और हमारा पेस्ट बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब हम स्वीट कॉर्न भी चेक कर लेते हैं। स्वीट कॉर्न उबल चुके हैं और इसमें से खुशबू आने लगी है। तो चलिए गैस की फ्लेम को करते हैं बंद और इसमें से पानी निकाल लेते हैं और इसे अलग रख देते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए देखिए, मैंने एक कढ़ाई ली है और उसमें 1 बड़ा चम्मच तेल डाल दिया है। अब ये तेल बिल्कुल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे ये पेस्ट। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए पकने देते हैं। तो चलिए इसे ढक देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ग्रेवी में तेल ऊपर आ गया है। चलिए अब इसमें एक एक करके मसाले डालना स्टार्ट करते हैं। पहले मैं डालूंगी स्वाद अनुसार नमक। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अब इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी। सारे मसालों को ग्रेवी के साथ में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर से हम इसे ढककर थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। देखिए, हमारी जो ग्रेवी है थिक हो गई है। अब हम इसमें डालते हैं 1/2 ग्लास पानी। और स्वीट कॉर्न। इन सबको मिक्स कर लेते हैं। और इसे अब हमें ढककर मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट तक पकाना है। और देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्जी बनके बिल्कुल तैयार है। तो चलिए गैस की फ्लेम को कर लेते हैं बंद और इसको करते हैं सर्व। और देखिए फ्रेंड्स, हमारी इजी और टेस्टी ग्रेवी वाली स्वीट कॉर्न सब्जी बनके बिल्कुल तैयार है। लग रही है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी। इसे चाहे तो आप राइस के साथ ले सकते हैं, चपाती के साथ ले सकते हैं, या फिर पराठों के साथ में। ये सबके साथ बहुत अच्छी लगती है और बहुत टेस्टी सब्जी है। तो प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यदि ये रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँगी मेरी नेक्स्ट रेसिपी तक। थैंक यू, बाय बाय।